तेरे दांत तोड़ दूं। बिल्कुल बेवकूफ बना दिया। उसका पर्स है, वो मांग रही है। अच्छा ये ले बेटा तेरा है। हाँ सॉरी सॉरी, मेरे बेटे का बर्थडे है। कहाँ फंसी पड़ी, इधर आ जा मेरी जान। सुबह से पागल की तरह मैंने पूरा घर फैला दिया है, पर आप गैस नहीं कर सकते मैं क्या प्लान करने वाली हूँ। ब्लॉग के एंड में पता लगेगा आपको। इस घर की रानी मैं हूँ। चटपटर मत खिला। कुछ लोग ऐसे मैसेज कर रहे थे, क्या हुआ, हो गया शॉक पूरा। झांसी हमारा हॉस्पिटल है ये। देखो कितनी बार बोला कुछ, मेरा खून पी लिया, अच्छा रहता मैं जयपुर में रह जाती। लाल परी आएगी क्या सारा दिन, पापा पापा बाबू का नाम करूंगा। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब, होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। तो आप लोगों को सबको बहुत अच्छा लगा कि हम लोग वापस घर पे आ गए हैं, क्योंकि बच्चों के बिना, फैमिली के बिना कहीं भी जाओ कोई मजा नहीं। मजा तभी आता है जब पूरी फैमिली हमारे साथ हो। क्या है, इतने दांत तोड़ दूं? तो गाइस मैं और गोलू फिलहाल जा रहे हैं नीचे, क्योंकि हमारी जो कैरावन है ना, उस कैरावन में कुछ काम करवाना है। तो अभी फिलहाल कैरावन जाएगी वापस, और उसमें कुछ कुछ चेंजेस जो हमें लग रहे हैं ना ट्रिप पे, हमें महसूस हुए वो हम करवा रहे हैं। तो अभी कैरावन में जितना भी सामान है वो खाली करना पड़ेगा, और खाली करने के बाद यहाँ पे सारा सेट भी करना पड़ेगा। और पूरा घर ना उथल पुथल हो रखा है, वो भी सारा सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो ये घर की हालत, ये एक दूसरा वाला घर है। अभी इधर वाले घर की हालत तो आपने देखी नहीं है, तो पूरे घर की हालत ठीक करनी है। और जैसा कि आप सबको पता है हमारा एक ब्रांड आने वाला है, तो उस ब्रांड के लिए हमें जो है कहीं मीटिंग के लिए जाना है मेरे को गोलू को, तो वहाँ भी निकलेंगे मैं गोलू, धीरज भैया, सूरज भैया। तो इसने ना मेरे को टोपा बना के बिल्कुल बेवकूफ बना दिया। अभी मैंने ना टेक देखा, मैं इतनी गंदी लग रही थी। मैंने भी पहना था कल, ताक बनाती हूँ टोपा। तब तो ठंड थी, और सुबह सुबह गाइस मुझे इतनी जोर से ठंड लग रही थी मैं सो ही नहीं 8 बजे के बाद। तो हम लोग पहुंच गए अपनी कैरावन में, और यहाँ पे पायल निकालने लगी है सारा सामान, और एक एक करके सब खाली कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे निकाल दिए डिस्पोजेबल प्लेटें, ये सब जाएगा सामान ऊपर। और पता नहीं हमारे हीटर के साथ क्या हो रहा है, पहले भी ना हीटर हमारा ट्रिप कर गया था, मैंने भैया को बुलाया था और वो ठीक करके गए थे। अब दोबारा हीटर ट्रिप हो गया, रात को पायल को इतनी ज्यादा ठंड लग गई, अब फिर भैया को बुलाना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है ट्रिप इसलिए कर रहा है क्योंकि ना एक साथ ना 2-3 हीटर चल जाते हैं, क्योंकि एक बच्चों के रूम का चलता है और एक हमारे रूम का। पहले तो बाहर का भी चल रहा था, पर अभी वो बाहर का नहीं चल रहा। बोलू हाँ, कृतिका उससे ले लिया था मैंने लड़की से। अच्छा चल ठीक है, संभाल के रख ले। तूने ड्रेस यहाँ पे पहनी थी? ड्रेस वहाँ पे पहनी थी, निकाल दी थी ना। अच्छा ठंड लग रही होगी ना। तो मैंने ना ऊपर से ना मंदी भैया को भेज के बड़ी वाली पन्नी मंगवा लिया, क्योंकि बहुत 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 सारा सामान है, छोटे छोटा करते करते खाने पीने का सामान है, वो सारा सामान ना ऊपर यूज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सब वेस्ट होगा। तो ये सब सामान जो है ना निकल चुका है, यहाँ पे भी सामान निकाल दिए। तो पायल ने ना वहाँ से मखाने भी लिए थे, कि सोचा कि ना बना बना के खाएगी। बॉर्नविटा भी लिया था कि बॉर्नविटा का दूध पिएगी, पर ये सारा सामान अभी ऊपर जाएगा, क्योंकि जो ट्रिप है ना वो तब होएगी जब हम सारे इकट्ठे जाएंगे। तो यहाँ पे सारा सामान ना खाने पीने का पन्नी में डाल रहे हैं, मैंने ऊपर से पन्नियां मंगवा दी डस्टबिन वाली। तो पायल कह रहे कि बर्तन जो है ना वो तो फट जाएंगे, इसको हाथ में लेके जाना पड़ेगा। मैंने सारा सामान जो है यहाँ से निकाल दिया है, क्योंकि गाइस रखने का भी फायदा नहीं है ना, अब ये नहीं पता कैरावन में कितना दिन लगेगा डेवलपमेंट होने में, भी तो काम होना है, इसलिए हमने नहीं रखा। कितना हमने सामान इकट्ठा कर दिया था, बहुत ज्यादा। देखिए जरा एक ये लगा ले, आधा किचन तैयार कर रखा था। गए भी आधा किलोमीटर इसे, तुम आधा किलोमीटर हिसाब लगाओ जितनी लंबी ट्रिप थी उसका आधा किलोमीटर। हाँ ये तो है। तो अभी हमने क्या करा, बड़ा वाला बैग मंगाया। पायल ने मुझे कल बैग दिखाया ना, मुझे ऐसे पायल ना इशारे बताती गोलू इतना बैग है, क्या होगा यार नॉर्मल बैग को इतना। पर मैंने भी देखा पहली बार लाइफ में इतना बड़ा बैग, वो भी पायल को 600 रुपए का पड़ा, बहुत ही सही रेट पे मिला, क्योंकि ऐसा बैग मिलना ना बहुत मुश्किल है, और बिल्कुल सही बैग मिला ये वाला। इतना बड़ा है इसमें इतना सारा सामान आ सकता है, बहुत बड़ा बैग है। अभी सामान डालूंगी ना तब दिखाऊंगी बैग में कितनी स्पेस है। तो ये वाला जो बैग है ना यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर खत्म होता है, तो सीट का साइज दिखा देती हूँ, इतना बड़ा बैग है ये, इसमें आ जाएगा भर के सामान। सारा सामान हम लोगों ने निकाल दिया, तो अभी क्या है सब सामान पैक हो गया, और अभी भी निकालते निकालते ना ये वाली जो साइड है ना इधर से भी इतना सामान निकला है। पायल ये बॉटल वही है जो वृंदावन लेके गए थे यान के लिए, वो ऐसे एज इट इज की एज इट इज रखी है। पायल ऐसे कौन चलता है चश्मा टोपी लगा के, अंदर टूट जाता सामान में। तो यहाँ पे हमारा फिर से सोफा आ चुका है, बैक टू पवेलियन जो बोलते हैं, क्योंकि हमने 2 दिन यहाँ पे बहुत ज्यादा मस्ती करी है। पायल ये मूंगफली इतने टाइम की रखी हुई, मैंने कहा था बांट देना किसी को, सीन जाएगी बेटा इतनी, फिर और रखी और बांट देते, यही रखी थी बेटा। तो गाइस ये तो है जो मैंने सोफा वगैरह सब सेट करा दिया, और अब रह गया है जो कपड़े हम लोग लेके गए थे, वो हम नहीं खोल रहे, अनपैक नहीं कर रहे, उसे एज इट इज ही रख रहे हैं, जब भी कभी बाहर जाना होगा तो तभी उसको यूज कर लेंगे। अब जो कपड़े गर्मी वाले थे जिन्हें हमें पहनना है, नहीं सर्दी वाले, वो निकाल के लगा दे। तो पायल गई है बस अभी शावर लेने के लिए, जैसे ही पायल आती है फिर मैं जाती हूँ शावर लेने के लिए। तो मैंने ना 2 दिन से तेल लगा रखा है, मतलब कि कल का पूरा दिन और आज पूरा सही अपना तेल का मेरा बालों में सही जमा। तू शावर लेने के लिए गई थी? गई नहीं, जा रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मेरी दोनों कुत्ती पाइश ने टोपी पहनी है, भाई जादू और वो कह रही है तू मेरा पर्स दे, उसका पर्स है वो मांग रही है, दीदी का पर्स है।
अच्छा ये ले बेटा तेरा है, हाँ सॉरी सॉरी। निक्की जैक का वॉलेट लेके बड़ा ला। तो भाई आज हमारे लाल भैया से हमारी विदाई है क्योंकि लाल भैया जा रहे हैं घर। देखो हमारी दो बिटिया हैं और हमारी लाल भैया की वाइफ हमारी भाभी जी, तो हमने सोचा कि थोड़ा बहुत जो है खुशी से कुछ देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारा सामान निकाला है, भैया जाके बताना कि मैंने बड़े प्यार से भेजा है और कैसा लगा वो भी बताना। हम इतने एक्साइटेड है कि हमें ये खुद ना महसूस नहीं हो रहा है कि मैं एक बिटिया मेरा मेरा कैसे कट गया और इतना प्यार दिया आप लोगों ने कि मैं कुछ बताने लायक नहीं हूँ। सीधी बात ये मतलब भैया का जाने का बिल्कुल मन नहीं था जब हमने बोला ना कि कल के भैया कि अब ना इसमें थोड़े चेंजेस करने हैं गाड़ी में, तो आप चेंजेस करा लो। सच में जाना है? हाँ भैया जाना पड़ेगा। तो बस अब विदाई दे देते हैं भैया को और कैरावैन के बारे में अरमान जी बताएंगे। तो फाइल ये क्या है? ये एक बहुत सारा बहुत सुंदर सा कार्डिगन है, यहाँ पे ना लेगिंग के साथ पहनते हैं। ठीक है। तो ये कार्डिगन है, ये दो नाइट सूट है दोनों बिटिया के लिए, ये पांच पर्स है दोनों बिटिया के लिए, फिर ये हमारे भैया के लिए मैंने पैंट शर्ट का कपड़ा टॉवल बनियान हैंकी सब है, ये सूट है, ये साड़ी है भाभी जी के लिए, तो गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो हमारी कैरा वैन है, अभी हम एक डेढ़ दो महीने कहीं नहीं जाने वाले। अगर किसी को कैरा वैन में घूमने के मजे लेने हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, आईडी डाल देता हूँ, आप अक्षय भाई से बात कर लेना और वो आपको रेंट भी बता देंगे और बहुत मजा आएगा आप घूमना अपनी पूरी फैमिली के साथ। और जब भी आप उसमें घूमो तो मुझे टैग जरूर करना, स्वाइप अप लगाना, मैं स्टोरी लगाऊंगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। व्हाट आई फॉरगेट सी द फेस क्यूट फेस माय बेबी, ये मेरा बेटा है, ये किसी का नहीं है, इससे कोई प्यार नहीं करेगा, इससे सिर्फ मैं प्यार करूंगी। मुझे पता है भाई, आई डोंट फॉरगेट, आई नो दैट हीज और शीज का बर्थडे आज है, मेरे बेटे का बर्थडे है। बर्थडे बनाएंगे आपका, केक काटेंगे? मैं तो खुद खाऊंगी, खुद काटूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, गुस्सा मत हो, मैं काट दूंगी। हाँ गुस्सा मत हो। तो गाइस यहाँ पे इतना सारा सामान है दो बैग का, तो सबसे पहले मैं ये सारा सामान जो है लगा देती हूँ। जब तक गोलू गई है जिम, तब तक मैंने सोचा कि पूरे घर की इस वाले घर की ना हालत थोड़ी सुधार देती हूँ, क्योंकि घर ना फैला फैला बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर आप लोग देखते हो ब्लॉग्स में, आपको हमारे घर की साफ सफाई ज्यादा अच्छी लगती है, तो मैंने कहा उस रूल को ना खराब नहीं करना चाहिए, फटाफट सफाई कर देती हूँ। ये वाली जो किचन है ना, ये पूरी किचन में कहीं भी कुछ भी रख रखा है, कभी घी मांगते कभी कुछ मांगते, और सारी चीजें किचन में यहाँ पे भी है वहाँ पे भी है, तो मैं ना पूरी किचन अच्छे से सेटल कर रही हूँ ताकि जो एक बार ना अंदाजा हो जाए कहाँ से क्या लेना है। काम के बीच में ना बच्चों को भी देखना जरूरी है, तो इसको देख लो, तू बरानी को कहाँ फंसी पड़ी, दराजा मेरी जान, इधर मिले जुबरू छोके उठ गए शाले, बस अयान नहीं छोया। आज तो तुबू का भी बर्थडे है, बहन भाई का बर्थडे है। ये वाला जो फॉइल पेपर है ना, ये मैं उस वाले किचन में लगा रही हूँ, क्योंकि किचन की ना ड्रॉर्स खराब नहीं होनी चाहिए, अगर ये पड़ा रहेगा ना नीचे तो ड्रॉर्स में थोड़ा बहुत भी गीला होगा ना, इसी पे रहेगा, वो लकड़ पे नहीं जाएगा तो लकड़ खराब नहीं होगी। तो मैंने सोचा कि पहले इसको लेके जाती हूँ, ये लगाती हूँ, इसके लिए मुझे चाहिए कैंची। तो भाई ये रही कैंची, तो कैंची वॉलपेपर ले लिया है और ये सारा सामान ना अंदर पड़ा हुआ था, जब आंखों के सामने रहेगा नहीं तो कोई खाएगा कैसे, फिर बड़ी बड़ी चीज खराब हो जाती है, इसलिए मैंने टेबल पे लगा दी। ये वाली पूरी सेल पूरी ही किचन को मैं दोबारा सेट करना पड़ेगा, अभी थोड़ा टाइम पहले आप लोगों को पता है मैंने पूरी किचन जो है क्लीन करी थी और अब मुझे ऐसा लगता है फिर से पूरी किचन मुझे क्लीन करनी पड़ेगी। आपको भी लग रहा होगा सुबह से पागल की तरह इधर उधर इधर उधर, मैंने पूरा घर फैला दिया है, पूरा घर मैं देखना आज ऐसा चमका दूंगी ना। तो गाइस आज मैं आपको मिलवाने वाली हरियाणा की बेहतरीन स्टार जो हमारे घर पधारे हैं, अनामिका जी। हेलो जी। तो अब ये ना आपको हमारे यहाँ पे रोज दिखने वाले हैं, क्योंकि ये आई हैं अपने बच्चों के पास, ये है बच्चों की बुआ। मैं अपने भतीजा भतीजी से खेलने आई हूँ थोड़े दिन और इनसे सीखने आई हूँ कुछ। अच्छा ये रोना हंसना गिगी गिगी करके दिखाइए बेटा, गिगी 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 करिए बेटा। नहीं ये हमें डांस सिखाना है, ये बहुत अच्छी डांसर हैं, तो हमने बोला कि दीदी प्लीज हमें भी सिखाओ, क्योंकि हमारे अंदर ना एक तो मोन्टाज देने के वो नहीं है, डांस नहीं आता गोलू को, मेरे को भी नहीं आता थोड़ा बहुत, तो मैंने सोचा कि इसी के साथ हमारा डांस प्रैक्टिस भी हो जाएगा और बुआ बच्चों के साथ खेल भी लेगी। खेल भी लूंगी मैं भी इनकी तरह, फिर भाई एक्टिंग कर लूंगी, कभी रोना कभी हंसना, क्योंकि मैंने अभी तक गाने किए, मैंने आप लोगों के साथ जैसे ना प्रैंक नहीं किए, बड़े मजा आता है। आजकल ना लोग प्रैंक को पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा तो ऐसा करते हैं, अरमान जी अभी है नहीं, गोलू भी नहीं है, प्रैंक प्लान करते हैं और देखते हैं क्या होगा। तो गाइस मैंने और अनामिका जी ने ना प्लान कर लिया कि हमें क्या करना है, और ये वाला प्रैंक ना आपने मेरे हिसाब से एक दो बार देखा होगा पर आप गैस नहीं कर सकते मैं क्या प्लान करने वाली हूँ। बस अब वेट है कि चिगू पापा कब आएंगे, क्योंकि चिगू पापा जिम गए हुए हैं और वो आज काफी टाइम बाद गए हैं, क्योंकि हम ट्रेवल पे थे, बीच में ठंड की वजह से हम जिम नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं अच्छे से वर्कआउट करके आऊंगा, तो और खा पी के भी बाहर आएंगे, तो मुझे ये टेंशन नहीं है कि मुझे डाइट बनानी है। तो अब मैंने ना अच्छे से प्लान कर लिया कि करना क्या है, ब्लॉग के एंड में पता लगेगा आपको, तो आप ब्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे ना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, और नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी तो आप मिस कर दोगे कुछ नया, तो जल्दी जाओ सब्सक्राइब कर दो। तो गाइस देखो यहाँ पे जो तुबू है ना अपनी पूरी ड्रेस चेंज करके आई है, कह रही है मैं अपना रोब दिखाती हूँ कि इस घर की रानी
रानी मैं हूँ, तो अभी अभी कपड़े चेंज करके आई हूँ। यहाँ इसका भाई भी आ गया है। क्या खिला रहा भाई तू इसे? चटपटर मत खिलाए। मम्मा ये क्या बोलते, चटोरी है, खा गई। ओए मेरी चट्टो, ओले मेरी चट्टो। तो गाइस मैं आ गई थी जिम से, और जिम बहुत ही अच्छा रहा। बट ना जिम करने का ना मजा सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि सुबह कब होती है, शाम कब होती है, पता ही नहीं चलता। मतलब ये लगा लो आज मैंने पूरा दिन में सिर्फ जिम करा है और शाम के 6:30 बज चुके हैं। तो बस अभी इनके साथ जा रही हूँ फार्म, फिर आकर मिलती हूँ आपसे। तो मैंने यहाँ पे कर लिए अपने कपड़े चेंज, और सच में बहुत ज्यादा ठंडा। ये जो हाईनेक है ना, ये मेरे को पिछली बार प्रेगनेंसी में आया था, और उस टाइम मेरा टमी बहुत ज्यादा था, तो मैंने सोचा कि ना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है टाइट कपड़े पहनना। तो इस बार बिल्कुल मुझे सही आया, तो मैंने अभी हाईनेक पहन लिया, साथ में पहना है वार्म पजामा, और इसमें मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही क्योंकि नीचे वार्मर भी पहना हुआ है। पायल कहे, सुन मैं वहां जा रही हूँ फार्म जा रही हूँ, एक काम कर, ये ले मेरा, मैं तेरा फोन लेके जा रही हूँ, तू मेरा फोन ले ले, ठीक है? अरे ले ले फोन, ले ले, मैं से मैं तेरा लेके जा रही हूँ पकड़। मैं घर की थोड़ी क्लीनिंग करती, जा। चल ठीक है, मैं जाके आती हूँ, ठीक है? जाके। तो पहुंच रहे हम लोग फार्म पे, और सच में ठंड बहुत ज्यादा है। तो मैंने ना ये पायल से पट्टा ले लिया, पायल ने कैप पहन ली थी, मैंने पट्टा ले लिया। मैंने कहा भाई ठंड में रिस्क नहीं ले सकती, क्योंकि कम निकलते हैं ना तो जल्दी ठंड कैच हो जाती है। तो गाइज आज हम लोग पहुंचे अपने फार्म पे। हमारे को ना कुछ लोग ऐसे मैसेज कर रहे थे, क्या हुआ फार्म बंद कर दिया, हो गया शॉप पूरा। तो गाइज देखो, हर चीज वैसे तो बताने की हमें जरूरत नहीं है, हमें पता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये देखिए, हमारे यहाँ से 11 जो डॉग्स है ना वो ठीक होके अपनी अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं इस हफ्ते, और 3 तो आज सुबह ही बच्चे हमने ठीक करके भेज दिए हैं। और अभी जो है हम ज्यादा और नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो डॉग्स हैं 2-3 डॉग्स हैं जिनको पार्वो की प्रॉब्लम है, और पार्वो की प्रॉब्लम आप सबको पता है कि थोड़ी डेंजर होती है डॉग्स के लिए। तो अभी हम ना एडमिट नहीं कर रहे, जो है उन्हीं को ठीक कर रहे हैं। तो अभी हमारे सोमवीर भैया ने बताया कि हमारे पास ना 9 बच्चे आए थे पार्वो के, और मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना कि 9 के 9 ठीक हो गए, क्योंकि इतनी ज्यादा डेंजरस चीज होती है ना कि फैल जाती है, बट हमारे यहाँ से 9 बच्चे ठीक होके गए हैं। तो बस इसी यही चीज हमने कमाई है कि हम जितने भी डॉग्स रख रहे हैं ना, हमारा मेन मोटिव यही है, चाहे 4 हो चाहे 5 हो, बट हमारे को होता है कि हम सारे डॉग्स को ठीक करके रिलीज कर दें। तो गाइस एक चीज और आप लोगों को बतानी है कि ना देखो, जैसे दिन छोटे हो गए हैं तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, और हमें देखो व्लॉगिंग ही करनी होती है, और 3-3 चैनल से हम व्लॉगिंग करते हैं। अगर हम व्लॉगिंग नहीं करेंगे तो देखो यहाँ का खर्चा कैसे चलेगा। अभी तक हमारे पास रिकॉर्ड है कि हमने अभी तक 1 पैसा किसी से डोनेशन में नहीं लिया है। जो हमारी इनकम है उसी से इन सब का इलाज हो रहा है। यहाँ पे जितने मेंबर रहते हैं उनकी सैलरी आ जा रही है, इनका खाना पीना, यहाँ का रेंट, सब कुछ हमारी जो व्लॉगिंग है, जो आप लोग हमें प्यार देते हैं, आप हमें देखते हैं रोज, बस उसी से चल रहा है। तो बस ऐसे ही देखते रहिए, आप लोगों की तरफ से यही सहयोग है इन लोगों के लिए कि आप ऐसे ही प्यार करते रहिए। तो गाइस एक और आपको बहुत अच्छी न्यूज देनी है कि अब तक, मतलब ये लगा लो जितना टाइम से हमने शुरू किया है, अब तक हमने 3 महीने में 100 डॉग को बिल्कुल ठीक करके रिलीज किया है। और हम जब भी हमारे यहाँ फार्म पे कोई डॉग आता है, इंजर्ड आता है या किसी भी अवस्था में आता है, तो हम क्या करते हैं, हमने ना एक तुलसी फार्म के नाम से ग्रुप बना रखा है। तो जब वो आता है उसकी एंट्री, और जब वो जाता है उसकी एग्जिट, और जहाँ से हम उसे पिक करते हैं ना वो भी जगह लिखते हैं, और जहाँ पे हम उन्हें ड्रॉप करे, ताकि हमें ना इजिली पता चल जाए कि हमने कहाँ से बच्चा उठाया, वाई हम ड्रॉप करते हैं। क्योंकि होता है ना कि डॉग्स जहाँ पे पैदा होते हैं तो उनको आदत बन जाती है कि उसी जगह उसी एरिया में रहने की, और कोई अगर छोड़ के भी जाता है ना हमें यहाँ आके, कि यहाँ आके छोड़ गया, उससे भी हम पूछ लेते हैं आप कहाँ से आए, उनका नंबर लेते हैं, ताकि जब वो ठीक हो सके ना तो हम उसे वहाँ छोड़ सके। तो बस आप लोगों की दुआओं से यहाँ पे बहुत सारे डॉग जो है ठीक होके गए हैं, और आगे भी होते रहेंगे। हीटर दिख रहा है ना, ये हमारे गणेश के लिए, क्योंकि देखो गाय भैंस जो होती है ना उनको ठंड बहुत ज्यादा लगती है, तो ये बच्चा भी है, तो हमने ना इसके लिए सेपरेट हीटर ले रखा है जिससे इसकी सेक लगती रहती है। गाइस ये गणेश को तो आपने याद, मतलब होगा आपको कौन है गणेश। गणेश है हमारी फार्म की पहली जो गाय आई थी, तुलसी जिसका नाम रखा था हमने, जिसको दौरों की दिक्कत थी, उसका बेटा है। तो उसकी तो देखो मृत्यु हो गई है, लेकिन इसको ना एक जोड़ीदार मिल गया है, वो कौन है, सम्राट। रात भर ये ना इसी के सम्राट के साथ खेलता है, कूदता है और इसी के साथ सोता है। तो अभी अभी पायल ने बताया कि पायल की मम्मी क्या करती थी, वो ना घोड़े को ना बोरी डालती थी। घोड़ा नहीं था हमारे पास, क्यों तुम भैंस थी, भैंस घोड़ा गाय भैंस ऐसे होते हैं, उनको ठंड से बचाने के लिए ना हमारे घर खल बिनोला ही आते थे, वो इनका खाना होता था। अच्छा, तो उसको बोरी को काट के सील के 2 चर को फिर उनकी चद्दर बनाते थे। मैंने ये नहीं सोचा, मुझे लगा कि ना शायद मम्मी के पास घोड़ा भी था तुम्हारे पास। पागल पायल, पर तूने एक बार तो मुझे बताया था कि घोड़े को खजूर देते हैं, ये देते हैं, एप्पल देते हैं, तुझे फिर घोड़ों के बारे में कैसे पता? हमारे यहाँ पे वो था सिंधी घोड़े वाले। अच्छा, तो बारात में टेंट हाँ 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 घोड़े वाले। हमारा जो राम है ना वो आते ही ना अपनी शरारतें करना स्टार्ट कर दी। पायल ना गंगा को पकड़ रही है और पायल को काट रहे हैं। ध्यान से, गंगा उड़ गई। गंगा के बाल आ गए, बाल पूरे। हाँ, गंगा के बाल आ गए। अच्छा, गंगा ने क्या कर रखा है, दिखाया अपनी? ये पूरी बांस गंगा राम ने खा ली है।
ओहो खतरनाक बच्चे हमारे। फैसिलिटी देखो दी जा रही है हर जगह से, सब कुछ कवर है। थोड़ा सा जो एरिया है ना वो इसलिए रखा हुआ है ताकि बच्चों को वेंटिलेशन हो, और साथ में यहाँ पे हीटर भी लगा रखा है ताकि हमारे राम गंगा को कोई तकलीफ ना हो। गंगा में थोड़ा सा एटीट्यूड आ गया किस बात का, क्योंकि गंगा के बाल आ गए हरे हरे आ गए ना थोड़े थोड़े, तो इस बात की बहुत ज्यादा उसे खुशी मिल रही है कि मैं राम जैसी हो गई हूँ, अब मैं फुल एटीट्यूड में रहूंगी। तीन चार दिन की मूंछ भी लंबी होगी मैंने। हाँ तो ये है हमारा राम और ये है हमारी गंगा, घूर रहे मेरे को राम, ये दोनों है गंगा राम। तो अभी हम लोग आए हैं गोलगप्पे खाने के लिए और ये इनकी फेवरेट जगह है। ये कुछ भी हो, कितना भी मन कर रहा हो कुछ और खाने का, पर गोलगप्पे कभी नहीं छोड़ते हैं। स्पेशली ट्रैफिक से आए हैं वहाँ से लड़ते लड़ते। सूरज भैया रेड लाइट पे बोल रहे, मैंने कहा यार घर से आगे क्यों जा रहे हैं। मैंने कहा सूरज भैया कहाँ जा रहे, कह रहे इनकी फेवरेट जगह। मैंने इनकी कौन सी फेवरेट जगह, मुझे लगा चाय चूरी लेके जा रहे हैं। मुझे भी यही लगा था, मुझे तो ये लगा कि भाई ये लोग गोलगप्पे खाने जा रहे होंगे किसी रेस्टोरेंट में बंद सी जगह पे, पर इतने नॉर्मल डाउन टू अर्थ कि आए और रेडी पे खड़े हो गए। कहते हम यहाँ से खाते हैं पायल, हम यहाँ से इसलिए खाते हैं, यहाँ से बच्चे मिले थे ना हमारा हॉस्पिटल है ये, अंदर है ना, तब इसके पापा बाहर रेडी पे खड़े थे गोलगप्पे खाने, फेवरेट हो गया। तो गाइस आज है आयान और तूबा का 9 मंथ बर्थडे, तो क्यों ना तीनों बच्चों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहुत ही खूबसूरत कपड़े पहना के रेडी किया जाए। तो आज मैं कपड़े जो पहनाने वाली हूँ वो लाई थी निष्ठा गोलू की। ये कपड़े ना मैंने ये सामान एक घंटे पहले भिजवाया था, मैंने कहा गोलू जल रख देगी, मैं वहाँ की सफाई कर रही थी, मैंने वहाँ मशीन लगाई, वहाँ का पूरा वो सामान सेट करके आई। और इस लड़की ने इतनी देर में सिर्फ रेसिपी दी है, और रेसिपी कहाँ दी है, चीकू के अकाउंट पे जाके देखना उस रेसिपी से क्या होता है ना, बच्चे सोएंगे देखते हैं। रेसिपी के साथ एक और काम करा क्या, जो 7 इंग्रेडिएंट है ना उनको बारीक चॉप भी करा, फिर रेसिपी दी, फिर किचन भी साफ करते छोड़। देखो कितनी बार बोला चीकू लॉलीपॉप मत खाकर दांत में कीड़ा, उसको तो बिल्कुल मत दे, उसके दांत अभी कच्चे भाई। नहीं देख हट, 2 मिनट कोई आ रहा है घर पे, गेस्ट आ रहा है आज बर्थडे बच्चों का। तो बच्चों की है ना एक और बुआ आने वाली है। मेरा खून पी लिया, अच्छा रहता मैं जयपुर में रह जाती, वैसे भी मुझे यहाँ की इतनी ठंड लग रही है। सीरियसली मेरे को भी एक ही दिन में पता लग गया कि अगर पायल नहीं होगी ना तो घर का कबूतर खाना बन जाएगा। बेचारी जब से आई है कभी उस रूम में भाग रही है, कभी उधर भाग रही है, कभी उस वाले फ्लैट पे, सारा घर पायल चश्मा। अगर कुछ हो जाता ना चश्मे को तेरे, मैं दीदे फोड़ देती। दीदे क्या होता है आखिर। तो हमने जैद के लिए कपड़े निकाल दिए हैं, तूबा के लिए निकाल दिए, तो बचा कौन, बचा अयानू। तो ये है अयानू की क्लोथ ब्यूटीफुल। तो ये भी जो है कपड़े लाई थी वो निष्ठा, निष्ठा मासी बच्चों में? तो ये वाले बना रहे हैं। ला 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 लाल परी आएगी, अपना बर्थडे मनाएगी, लाल परी आएगी, सोन परी बन जाएगी। आई 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 मेरी बेटी लाल परी आई। मैच नहीं कर रहा यार तू, हम तू मैं तेरे कभी स्टेज शेयर नहीं करूंगी, तू ओनली करेगी बेटा। मैं नहीं करूंगी तू या तू? मैं या मैं तू बो मेरी पाली गुड्डी ऐसे करी तू बो। लव दिश, लव दिश, मैं ही हूँ इस घर में जो फ्रॉक पहन सकती हूँ मम्मी और मम्मी के बाद, क्योंकि बाकी भाई है ना सारे वो तो छोड़ पहनते हैं। ये लड़का इतना परेशान कर रहा था क्योंकि इसे बैठ के कपड़े पहनाते, मैंने कहा इसको खड़े खड़े चाहे तुम इसे डांस करवा लो ये कर देगा, बैठ के इसकी मर्जी बिना कुछ नहीं कर सकते। पापा क्या सारा दिन पापा 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 का दीवाना ये लड़का। अरे यार इतने कुछ आते बड़े कपड़े कौन है पापा? तो बाबू बेटी भूखे हैं क्या, तो एक काम करते खिचड़ी लेके आती हूँ। यहाँ पे बुआ जी ने ना बच्चों को खाना खिलाने की जिम्मेदारी ले ली है और हम जो है बाहर लगे पड़े हैं काम में, और अभी रेडी भी होना है क्योंकि हमें जाना है डिनर पे। तो बस मैं सोच रही पहले बच्चों के डिनर हो जाए उसके बाद देखते हैं। मैं सबको खाना खिला सकती हूँ घर में, सबको जितने भी लोग हैं, पर इसको खाना खिलाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन टास्क है। दिखाती हूँ मैं आपको, देखो नम 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 दो मिनट रुक जाता बहुत। ये तो खिचड़ी नहीं खा रही, दो बच्चों को खा लिया, ये नहीं खा रही, मैं इसको मक्के की रोटी और साग खिला के देती हूँ। थैंक यू सो मच, वेलकम मैडम। और किसी को नहीं पहले खाना, अफसाना नहीं खाया, साग भी खाया, उसके बाद सीधे प्लेट मेरे पास आई है, इनको भी नहीं दी, मेरे को दी। पीछे आ जा बेटे, आ जा बेटे, गिर जाएगा, चोट लग जाएगी, इतनी बड़ी सीढ़ी तो मैंने जिंदगी में देखी। बेटे आ जा नीचे, आ जा मेरे बच्चा, उतार लेना बेटा। ऐसे एक बात बोलो, घर पे ना चेन लगवानी चाहिए ताकि पापा भी डांटे बच्चे ऊपर चल गए। हाँ तो मम्मी पापा ऐसे ही पकड़े के उतार लेंगे और फिर पीटेंगे, कितना याद करना फिर। तो भाई आज का जो ये केक है ना, मतलब ये इतिहास में लिखा जाएगा। जब हम स्कूल में जाते थे ना उसको फुट्टा बोलते थे, फुट्टा जिसपे हम लाइन मारते थे, स्केल 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 स्केल, जितने भी नाम लिखवाया कि कोई कमी ना रह जाए, क्योंकि दोनों का एक साथ नाम लिखवाया।
तो खुश कितने बेटा केक दे इसको दे मांग रहा है इसका है इसका बर्थडे इसका इसकी बहन का है पर इसकी बहन सो रही है हमने कहा भाई काट लेगा आज तीनों भाई काटेंगे तूबा का बर्थडे केक चलो लो खड़ा हो जाओ लो जादू हाथ लगाओ नहीं नहीं जादू तो दूर से अपना मांग रहा दे रहा हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे छोटा बेबी हैप्पी बर्थडे उससे बड़ा बेबी इधर आ गया हैप्पी बर्थडे बीच का बेबी मे गॉड एवरी ब्लेस बेबी टिशू 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 मैंने तो अपने माल को ना संभाल के रखा हुआ था दूर से ही पहले है ना बेटा हाथ साफ कर चुकी अच्छा ओए शिटिया हो गया क्या कर रही है मैं तो उसका भाई है उसको पता तो लगना चाहिए ये मेरा बर्थडे है ना ये भी ऐसे कर रहा है ये देख लेना इसको भी केक हटा दो यहां से केक हटा दो ये कह रहा है मुझे छोड़ दो एक बार कोई रिएक्शन नहीं होगा सेफ है अब चेक करवा ले गूगल पे यार हमें यार अच्छा तुम मार को लगा के देखती हूं 6400 तुम बताओ तुम्हें नींद आ रही है ओए छोड़ बेटे इसको अभी लगाया है अप्लाई पहले किया नहीं लड़की पहले कॉस्ट्यूम कर लिया नींद आ गई अभी थोड़ी आएगी ये नशे का इंजेक्शन थोड़ी है बेटा बेटा बहुत जरूरी दवाई है रुपए का मुझे पैसे बता इसके 300 रुपए 350 का नहीं आएगी नींद क्यों महंगा लेती होती ना 4-5 हजार का पाता मुझे समझ तो है ही नहीं था 4-5 हजार का देखो हम बच्चों की स्लीप के लिए तो कर रहे हैं उसमें यहाँ पे लिखा बेबी कामिंग मतलब बेबी जो रोते हैं ना उनको टीथिंग आती है बड़ी ज्यादा दिक्कत होती है बच्चों को ना शांत करता है बताना कमेंट करके कि सोएगा क्या देखो ये वाला मंगवाया मैंने तो अभी मैं अंदर से आ रही थी मैंने कहा यार अयान दिख रहा है मुझे जैद दिख रहा है तूबा का है तूबा का है तो मैंने आंटी से पूछा मैंने कहा आंटी तूबा नहीं दिख रही तो पायल आंटी मुझे बताती कि तूबा बाहर है अभी उठ गई देख केक 5 मिनट पहले काटा मैं वही बोल रही हूँ मैंने कहा 5 मिनट पहले उठ जाती मेरी लाडो तो केक नहीं काट रही होती तो कोई नहीं टेंशन मतलब तूबा मैं तेरे लिए केक लेके आती हूँ खिलाने के लिए तो यहाँ पे मैं अपनी कुकी पाए सोनी पाए के लिए केक लेकर आ गई हूँ क्योंकि सबने केक खाया मेरे बच्चे ने केक नहीं खाया तो दिस इज नॉट पॉसिबल इन माई हाउस ओके हैप्पी बर्थडे तूबा आ करो हैप्पी 9 मंथ इतना नहीं है क्रीम है लग देखो गिरा चम्मच में सारा इसके मुंह में थोड़ा सा गया आप भी खा लो ये लो अब मम्मा मम्मा नहीं खाती केक यार पता नहीं गई ऐसा क्यों हो रहा है हमें ना मीठे से थोड़ी सी ना दिक्कत सी हो गई पता नहीं क्यों मेरे को प्रेगनेंसी में इतना मीठा पसंद था मेरे को मीठा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तो गाइस रात के 2:30 बजने वाले हैं कब से मैं वेट कर रही हूँ तू बस सो जा तू बस सो जा तू बस सो जा इसका भाई भी सो गया जोड़ीदार केक काट के आज उसने अकेले केक काटा क्योंकि उस टाइम ये सो रही थी तो आज जिसने केक नहीं काटा इसका बर्थडे हमने नहीं बुलाया हमने सिर्फ अयानों का बर्थडे बनाया तो ये मुझे गुस्सा है कह रही आज बच्चों ने नहीं दूंगी तुमको तुमको सुबह उठ के जाना ना तुम जागे रहोगे मेरे साथ जाओगे होगी मेरे साथ तो कल बाय बाय कर लो चलो ऊपर में देखिए तो बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बाय बाय खाओ पियो ऐसा करो बाय बाय जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाओ और सब्सक्राइब करो बाय बाय टेक केयर गुड नाइट अल्लाह हाफिज़।